हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर वेल। सो आज की इस वीडियो की टॉपिक है क्लास 11 की जो पहली कविता है शार्ली टाउलसन द्वारा लिखित अ फोटोग्राफ। तो चलिए इस कविता की लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले इस कविता का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो ये जो कविता है, इस कविता में ये हमारी जो कवि है यानी कि शार्ली टाउलसन, वो उनकी मदर को याद कर रही है। देखो, अब किसी को याद करने की बहुत सारी तरीके होते हैं। उनकी तस्वीर होता है, उनकी कुछ लिखित चीज़ें होते हैं, या फिर कुछ मेमोयर्स वगैरह होता है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी यूज्ड यानी कि उनकी इस्तेमाल किए गए कुछ चीज़ें, वो सब कुछ देखकर हमें उनके याद आते हैं। यहाँ पर जो कवि है वो उनकी मदर को याद कर रहे हैं उनकी फ़ोटोग्राफ देखकर। तो ठीक है, तो अब इसकी जो लाइन बाई लाइन एनालिसिस है उसकी तरफ चलते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो यहाँ पर ये जो कार्डबोर्ड बोला जा रहा है, ये कार्डबोर्ड कोई ऑर्डिनरी कार्डबोर्ड नहीं है, बल्कि ये जो है ये एक पिक्चर फ्रेम है, यानी कि फोटोग्राफ का जो फ्रेम है उसको कार्डबोर्ड के द्वारा समझाया जा रहा है, सिंबलाइज किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं ये यहाँ पर एक मेटाफर का यूज़ किया जा रहा है, इम्प्लाइड मेटाफर। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। यानी कि हमारी जो कवि है वो बोल रहे हैं इस पिक्चर में उनकी मदर है यानी कि उनकी माँ है, और उनकी माँ की जो दोनों हाथ है उन दोनों हाथों को उनकी दो कजिन्स पकड़े हुए हैं, और ये तीनों समुंदर के किनारे बीच पर टहल रहे हैं। एंड शी द बिग गर्ल, तो यानी कि कवि की जो माँ है वो उनमें सबसे बड़ी है। सम 12 ईयर्स और सो, मतलब तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शायद 12 साल के आसपास होंगे। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. यानी कि इनकी जो तस्वीर है, ये तस्वीर कौन ले रहा है, उनके जो अंकल है वो, और उन तीनों के मुंह पर एक बहुत ही अच्छी स्माइल है, लेकिन उनके फेस में उनके बाल आ रहे हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वो दिन शायद विंडी डे होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि समुंदर में भीग जाने के बाद उनके जो हेयर्स है वो शायद इधर उधर हो गए होंगे। तो ये तस्वीर कौन ले रहा है, ये कवि की जो है चचेरे नाना जी हुए। अ स्वीट फेस माई मदर्स, यानी कि कवि की जो माँ है उनकी जो फेस है ये बहुत ही स्वीट है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी कि लेखिका के जन्म की बहुत पहले ही ये तस्वीर लिया गया था। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और ये जो समुंदर है जिसे हम कह सकते हैं कि वो चेंज ही नहीं हुआ है तब से, या फिर कुछ शायद ही चेंज हुआ है उसमें, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो वो क्या कर रहा है, तस्वीर से हमें पता चल रहा है कि जो समुंदर की जो लहरें हैं वो आकर उनकी जो फीट है उनकी जो पैर है उनको धोए जा रही है। यहाँ पर फीट को ट्रांजिएंट कहा जा रहा है, ट्रांजिएंट यानी कि जो स्वल्पकालिक होते हैं, मतलब कि जो कुछ ही देर के लिए होते हैं। तो हमें पता ही है हम जो इंसान हैं ये तो एक ना एक दिन मरने वाले होते ही है, और हमारा जो लाइफ है वो हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए इनकी जो फीट है या फिर कह सकते हैं कवि की माँ की जो फीट है इसको ट्रांजिएंट कहा जा रहा है, यानी कि सी से जो कि एक अनचेंजेबल थिंग है उनसे इंसान का जो रिश्ता है या फिर कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लव एट द स्नैपशॉट। यहाँ पर हम लोग सभी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जो पुराने तस्वीर होते हैं हम उनको देख कर बहुत हंसते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कवि की जो माँ है वो भी शायद जब 20 या 30 साल बाद उस तस्वीर को देखेंगे तो यकीनन वो भी बहुत हंसे होंगे। सी बेटी एंड डॉली, तो वो उनकी जो आजू बाजू में उनकी जो दो कजिन्स है जिनके नाम बेटी एंड डॉली है उनको दिखाकर बोले होंगे, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो शायद कहे होंगे कि देखो हम लोगों को कैसे तैयार किया गया था बीच में घूमने जाने वाले दिन। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। यानी कि हमारे जो कवि है वो याद कर रहे हैं कि ये जो सी हॉलीडेज होता था यानी कि समुंदर के किनारे घूमने जाना, ये उनके माँ की एक बहुत ही फेवरेट पास्ट टाइम था। ये जो समय था उनके बहुत ही अच्छा समय था, और कवि के लिए अच्छा समय कौन था, जबकि
उनके माँ उनके लिए हंसती थी, यानी कि वो अब उनके लाफ्टर को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कवि की जो माँ है वो गुजर गए हैं, वो अब दुनिया में नहीं रहे। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे जो कवि है और उनकी जो माँ दोनों ही उनके खुद के अनुसार जो उनकी जो लाइफ चल रही है उनको वो ढालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही उनकी जो खुशी की जो मोमेंट्स से वो गुजर गए हैं और वो दोनों उनकी जो पहले की जो हैप्पी लाइफ था उसको वो दोनों नहीं जी सकते क्योंकि वो दिन जो थे वो गुजर गए हैं अब। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे जो कवि की जो माँ है वो शायद 12 साल पहले गुजर गए हैं, क्योंकि इस तस्वीर में दिखाए जाने वाली जो लड़की है उसे उन्होंने कहा कि ये शायद 12 साल के इधर उधर होंगे, तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि 12 साल पहले उनकी जो माँ है उनकी डेथ हो गई है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, यानी कि कवि बोल रहे हैं कि जब भी वो उनके माँ के बारे में सोचते हैं या फिर उनकी माँ की जो उनकी लाइफ पर इन्फ्लुएंस थी उनके बारे में सोचते हैं तभी उनको बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाती कि उनकी जो इम्पोर्टेंस थी उनकी लाइफ में वो कितना गहरा था, और उनके चले जाने के बाद उनके गुजर जाने के बाद उनकी लाइफ में जो एक चुप्पी सी आ गई है वो कितना गहरा है वो उसको नाप नहीं सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि उनकी जो चुप्पी है उनकी जो एब्सेंस है या फिर कह सकते कवि की माँ की जो एब्सेंस है वो उनको भी कम्प्लीटली साइलेंट या फिर कह सकते हैं स्पीचलेस कर देती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनकी माँ की मौत से हमारे जो कवि है वो बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं। तो ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, and if you are new to this channel, please don't forget to subscribe my channel. Thank you.